धरती आसमान के नीचे, आसमान धरती के ऊपर, धरती आसमान के नीचे, आसमान धरती के ऊपर, नीचे होते पैर सभी के, ऊपर होता है सबका सिर, बारिश की बूंदें गिरती है, बारिश की बूंदें गिरती है, ऊपर से नीचे धरती पर, धरती के नीचे पानी है, धरती के ऊपर बनते घर, धरती के ऊपर बनते घर, धरती के ऊपर बनते घर। तो बच्चों, एक घर था। घर के पास एक पेड़ था। क्या था घर के पास? घर के पास एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर कौवे रहते थे। कौन रहते थे पेड़ के ऊपर? कौवे। कहाँ रहते थे कौवे? बोलो, अभी तो बताया आपको। बोलो, कौवे कहाँ रहते थे? कौवे पेड़ के ऊपर रहते थे। और पेड़ कहाँ था? पेड़ घर के पास था। और भाई, घर की छत के ऊपर रहते थे दो चूहे। रात होती तो दोनों चूहे चुपचाप नीचे उतरते। दोनों के दोनों रात को चुपचाप नीचे उतर जाते, क्योंकि छत के नीचे एक रसोई थी। चूहे नीचे से आकर चुपके से रसोई में घुस जाते। बिल्कुल चुपचाप आते और रसोई में घुस जाते। फिर बच्चों, वो चूहे रोटियां चुरा कर छत के ऊपर ले जाते। छत के ऊपर थी एक टूटी अलमारी। क्या थी छत के ऊपर? एक टूटी अलमारी। चूहे नीचे से रोटियां लाकर छत के ऊपर ले जाते और वहां अलमारी के नीचे छिपा देते। ओह, हम तो भूल ही गए, अलमारी कहाँ थी भला? कहाँ थी अलमारी? अलमारी छत के ऊपर थी और रसोई छत के नीचे थी। कौवे पेड़ के ऊपर से नीचे घर में देखते रहते। जैसे ही खाने की चीज दिखाई देती, उड़कर नीचे जाते, चीज उठाते, फिर पेड़ के ऊपर आ बैठते। एक दिन क्या हुआ, एक कौवे ने अलमारी के नीचे पड़ी रोटियों को देख लिया। भैया, क्या किया कौवे ने? उसने अलमारी के नीचे पड़ी रोटियों को देख लिया। बस, फिर क्या था भला? वो चिल्लाने लगा, काँ 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 काँ। कभी फुदक कर ऊपर की डाली पर जाता, फिर बोलता, काँ 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 काँ। कभी फुदक कर नीचे की डाली पर आता, फिर बोलता, काँ 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 काँ। इतनी सारी काँ 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 सुनकर सारे कौवे इकट्ठे हो गए, पेड़ के ऊपर से उड़े, छत के ऊपर आ बैठे। उन सबको ये पता लग गया कि अलमारी के नीचे रोटियां हैं। फिर भैया, सबने अलमारी के नीचे से रोटियां निकाली, चोंच में दबाई और फट से फुदक कर पेड़ के ऊपर चले गए। पेड़ के ऊपर घने पत्ते थे। क्या था पेड़ के ऊपर? घने पत्ते। पत्तों के नीचे कौवे रहते थे। तो कौवों ने क्या किया बच्चों, कि जो रोटियां उन्होंने अलमारी के नीचे से निकाली थी
वो सारी उन्होंने पत्तों में रख दी। अलमारी के नीचे एक भी रोटी नहीं बची। रात को आए चूहे, वो जब रोटियां खाने अलमारी के नीचे गए तो देखते क्या है, ओए माँ, अलमारी के नीचे तो एक भी रोटी नहीं। अब तो चूहे परेशान हो गए, सारी छत के ऊपर रोटियों को ढूंढने लगे, खोजने लगे, लेकिन रोटी बच्चों कहीं नहीं मिली। तब एक चूहे ने अचानक पेड़ के ऊपर देखा, ओ, ये क्या, वहां तो एक कौवा डाली के ऊपर बैठा रोटी खा रहा था। बस चूहे समझ गए, अलमारी के नीचे से रोटियां इन कौओं ने ही चुराई हैं, और सारी रोटियां वो पेड़ के ऊपर ले गए हैं। एक चूहा बोला, चलो पेड़ के ऊपर चलते हैं, अपनी रोटियां लेकर आते हैं, चलो अपनी रोटियां लाएंगे। सात चूहे तैयार हो गए, छत से उतरकर वे नीचे आ गए, और फिर नीचे आने के बाद पेड़ के ऊपर चढ़ने लगे। सबसे पहले बूढ़ा चूहा पेड़ पर चढ़ा। कौन चढ़ा सबसे पहले? एक बूढ़ा चूहा। उस बूढ़े चूहे के बाद दूसरे चूहे चढ़े। अब भैया बच्चों, बूढ़ा चूहा सबसे ऊपर था, बाकी चूहे उससे नीचे थे। कौन सा चूहा था सबसे ऊपर, बताओ, बताओ ना। हाँ सही, बिल्कुल सही, सबसे ऊपर बूढ़ा चूहा था। बच्चों, उन चूहों में एक चूहा बहुत मोटा था, बहुत मोटा। वो बेचारा पेड़ पर चढ़ ही नहीं सका, थोड़ा ऊपर चढ़ता फिर नीचे गिर जाता, फिर ऊपर चढ़ता फिर नीचे गिर जाता, आखिर थक ही गया। उस मोटे चूहे ने नीचे से आवाज दी, चू 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 चू, अरे मैं तो तुम्हारे साथ ऊपर आ ही नहीं सकता, बार बार नीचे जमीन पर गिर जाता हूँ, मैं तो आ ही नहीं सकता ऊपर, मैं ऊपर नहीं चढ़ूंगा, नीचे ही खड़ा रहूंगा। मोटे चूहे की बात सुनकर सारे चूहे पेड़ के ऊपर से बोले, अच्छा तो ठीक है, तुम ऊपर मत आओ, नीचे जमीन पर ही खड़े रहो। चूहे ऊपर चढ़ते चढ़ते कुछ और आगे गए कि मिली एक चिड़िया। कौन मिली बच्चों? चिड़िया। चिड़िया ने पूछा, अरे ऊपर कहाँ जाते हो, चलो नीचे उतरो, ऊपर जा रही हो, जाओ जाओ नीचे उतरो ना। बूढ़े चूहे ने चिड़िया की बात सुनी तो उसे घुड़का, अरे चुप, नीचे क्यों उतर रहे, क्यों उतर रहे नीचे, कौवे हमारी रोटियां पेड़ के ऊपर ले गए हैं, उन्हें हम लेने ऊपर जा रहे हैं, नहीं उतरते नीचे। हाँ, चिड़िया बेचारी चुप हो गई, चूहे ऊपर चढ़ते रहे। बच्चों, कौवे अपने घोंसलों में आराम कर रहे थे, शोर सुना तो सोचने लगे, नीचे से ये शोर कहाँ से आ रहा है, भई ये शोर कैसा। कौवे नीचे झांकने लगे, क्या करने लगे बच्चों, कौवे नीचे झांकने लगे, देखा तो देखते क्या है, चूहे पेड़ के ऊपर चढ़े आ रहे हैं। हाँ, पेड़ के ऊपर। कौवों ने जब ऐसा देखा बच्चों तो डांट कर बोले, ठहरो, आगे मत बढ़ो, चूहो ऊपर मत आओ, एकदम नीचे उतरो वरना हम तुम्हें खा जाएंगे। चूहों ने घबरा कर ऊपर देखा, कौओं को इस बुरी तरह चिल्लाते देखा तो बच्चों चूहे डर गए, डर के मारे कांपने लगे, और ऊपर
चढ़ने की बजाय नीचे की ओर दौड़े। डर के मारे बच्चों सारे चूहे जल्दी जल्दी में नीचे लुढ़कने ही लगे। नीचे खड़ा था मोटा चूहा। जब सारे चूहे पेड़ के ऊपर से लुढ़कने लगे तो लुढ़क के मोटे चूहे के ऊपर जा गिरे। हाय बेचारा मोटा चूहा। मोटा चूहा बच्चों सबके नीचे दबा जोर जोर से कराह रहा था। हाय 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 मैया, हाय मैं मर गया, हाय तुम सारे ही गिर गए मेरे ऊपर, हाय मैया मैं तो मर गया। सारे चूहे बच्चों उसके ऊपर से जल्दी जल्दी उठने लगे। हाँ सब जल्दी जल्दी उठे और मोटे चूहे को उठाकर छत के ऊपर ले गए। कहाँ ले गए? मोटे चूहे को छत के ऊपर ले गए। पेड़ के ऊपर बैठी चिड़िया ने ये सब जब देखा तो गाने लगी। बंदर होते कौवे होते भाई तोते होते। डर कर अगर गिरोगे नीचे धरती पर भाई धरती पर फिर फूटे टूटेगा चपना। अब कभी ना ऊपर चढ़ना, अब कभी ना ऊपर चढ़ना, अब कभी ना ऊपर चढ़ना, अब कभी ना ऊपर चढ़ना।